हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी शेड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक नॉर्मल हाई पैकेज के वीडियो को कंप्रेस करके बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे आप अपनी MBs की फाइल्स को बहुत ही छोटे पैकेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना अपनी क्वालिटी लूज किए। जी हाँ दोस्तों, आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी, सिर्फ आपको कि जो पैकेज है वीडियो का वो छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देना चाहूँ, मेरे चैनल के नाम से ये वीडियो मिस्टर डी शेडो, ये मेरी अभी ही लेटेस्ट अपलोड हुई हुई वीडियो है। मैं इसको पहले आपको प्ले करके दिखाना चाहूँगा, इसे थोड़ा आगे बाद दिखाना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो को आज मैं आपको कंप्रेस करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको साइज दिखा दें दूँ, 333 MB की ये फाइल है। अब आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली अपने VLC मीडिया प्लेयर से ही इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कीजिए, मीडिया पर क्लिक कीजिए, ओपन कैप्चर डिवाइस, फाइल, ऐड। फ्रेंड्स इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप VLC मीडिया प्लेयर को एज अ कन्वर्टर कैसे यूज़ करते हैं नहीं जानते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले आपको अपने VLC मीडिया प्लेयर में जाके कैप्चरिंग डिवाइस पर क्लिक कर देना है, उसके फाइल पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। और डेस्कटॉप पर आके आप ये देखिए, ये मेरी 300, ये देखिए ये मेरी 333 MB की फाइल है। फ्रेंड्स इसको मैं ओपन करूँगा, इसमें ऐड हो गया। अब मैं इस प्ले के बटन पर क्लिक नहीं करूँगा, इसके साइड में छोटा सा एरो है, मैं इस पर क्लिक करके कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा, इस छोटे से टूल ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, MP4 सेलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा। उसके बाद वीडियो HDD में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं अपनी डेस्टिनेशन फाइल चूज़ करूँगा, मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। मैं अपने नाम से इस फाइल को सेव करके दिखाऊँगा आपको, सेव कर देता हूँ, स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी वीडियो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। ये काफ़ी टाइम लेगी, जितने मिनट की ये वीडियो है उतने ही मिनट्स इसे कन्वर्ट होने में लगेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ जैसे ही ये लास्ट तक। ये फ्रेंड्स देखिए कैसे हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होने वाली है। और अब ये देखिए हमारी फाइनली, अब हम इसे कट करेंगे और अब ये मेरा फाइनल जो ये मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने रेंडर की थी सोनी वेगस प्रो 13 से एडिट करके, और जो मेरा फाइनल रेंडरिंग पैकेज था वीडियो का वो 333 था। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, उसके बाद मैंने इसे VLC मीडिया प्लेयर से कन्वर्ट किया तो ये सिर्फ 15.1 MB की हो गई। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग वीडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं। मैं भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मेरी पुरानी वीडियो थी जो मैंने सोनी वेगस से वीडियो जो रेंडर करी थी सोनी वेगस प्रो से। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वीडियो आपने देख ली। अब मैं आपको अपनी रेंडरिंग के बाद जो 15 MB की, तो फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ अपनी 15 MB वाली रेंडर फाइल, कन्वर्टेड फाइल जो मैंने VLC मीडिया प्लेयर से कन्वर्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगा इसे प्ले करके। ये देखिए ये प्ले हो रही है और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे 333 MB की वीडियो को सिर्फ 15 MB का कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप जानते होंगे कि ज़्यादा MB की फाइल अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक और बार आपको फाइनली चेक करा देता हूँ 333 MB की फाइल, और ये देखिए
333 MB यस्टरडे जुलाई। टाइमिंग देखिए 11:49 अभी रेंडर की है। और ये देखिए फ्रेंड्स 15.1 MB की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाता रहूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।